बड़ा गेम भरतपुर में भी कर दिया गया है शिवेंद्र, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, भरतपुर में एक बड़ा गेम हुआ है। बड़ा गेम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कल भरतपुर के अंदर जब जगत सिंह जिला प्रमुख का चुनाव लड़ रहे थे तो उनको 37 में से 28 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस बीजेपी के पास सिर्फ 17 मत थे। इसके अलावा बसपा ने भी जगत सिंह को वोट कर दिया था, 4 निर्दलीय थे उन्होंने भी जगत सिंह को वोट कर दिया था। इसके अलावा भी कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग हुई थी और जगत सिंह को 37 में से 28 मत मिले थे। अब जरा सोचिए इसके बाद कौन ये अंदाजा लगाएगा कि उप जिला प्रमुख बीजेपी का नहीं होगा। लेकिन कमाल देखिए, जो 17 बीजेपी के प्रत्याशी जीत कर आए थे उनमें से सिर्फ 2 पहुंचे या 3 पहुंचे, बाकी पहुंचे ही नहीं। बसपा से कोई नहीं पहुंचा, निर्दलीय कोई नहीं पहुंचा, यानी कि 37 में से सिर्फ 10 प्रत्याशी मत करने के लिए पहुंचे, उनमें से 7 ने कांग्रेस को मत किया, 3 ने बीजेपी को किया। और ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं, प्रियंका गुर्जर भरतपुर से कांग्रेस की उप जिला प्रमुख बन गई हैं। 37 में से सिर्फ 9-10 वोट पड़े हैं। कमाल की बात देखिए, उसमें भी बहुमत के आधार पर प्रियंका गुर्जर उप जिला प्रमुख बन गई है। कायदे से अगर देखेंगे तो 30% भी मतदान नहीं हुआ है और उस 30% का भी 30% इनको मिला है। जब आप परीक्षाएं देते हैं तो भयंकर तरीके से फेल होते हैं इस आधार पर, लेकिन यहां उप जिला प्रमुख बन गया है क्योंकि वोट डाला नहीं और जितना वोट डाला उसमें भारी बहुमत के साथ, जी हां भारी बहुमत के साथ प्रियंका गुर्जर उप जिला प्रमुख बन गई है, क्योंकि 9 या 10 वोट पड़े हैं और उनमें से 7 प्रियंका गुर्जर को मिल गए। यह अपने आप में भरतपुर के अंदर एक अलग तरीके की सियासत का संदेश कि जो बीजेपी जगत सिंह के नाम पर एकजुट थी, एक मुश्त थी, इतनी मजबूत थी कि बसपा उसके पास आई, निर्दलीय उसके पास आए, कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग हुई, आज ऐसा क्या हुआ 24 घंटे में भरतपुर की सियासत में ऐसा क्या हुआ कि उप जिला प्रमुख के लिए वोट करने ही कोई नहीं पहुंचा। वो एकता आज कहां गई, वो जोश आज कहां गया। भरतपुर के अंदर एक भयंकर खेला हुआ है, 37 में से सिर्फ 9 या 10 प्रत्याशी मत करने के लिए पहुंचे हैं और यह मुझे लगता नहीं इससे पहले ऐसा कभी हुआ होगा। रवि मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, रवि क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ, क्या कुछ कह रही है प्रियंका जरा सुनिए। सबसे पहले अपनी कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, मेरा जो मुझे चुना इसके उम्मीदवार होने के नाते।